हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस पर बेस्ड एक टॉपिक एवरेज ऑपरेटर न्यू के बारे में। ये जो टॉपिक है वो चैप्टर सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला पर बेस्ड है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस कैसे डिफाइन होता है ये न्यू। कहते हैं जो न्यू डिफाइन होगा ना वो किस प्रकार से होगा। न्यू फंक्शन एक्स लेना होता है हमें, कोई भी फंक्शन एक्स का अगर हम न्यू ले लेंगे तो क्या होता है, 1/2 फंक्शन एक्स प्लस एच अपॉन टू प्लस फंक्शन एक्स माइनस एच अपॉन टू। इसे एवरेज क्यों बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पर दो फंक्शन है उनको जोड़ रहे हैं और इसका आधा कर रहे हैं, एवरेज ही तो वो, इसीलिए इसको एवरेज ऑपरेटर बोला जाता है। अब आपको पता होगा ऑपरेटर ई के बारे में। ऑपरेटर ई क्या बोलता है, जो एच के एच का जो कोफिशियंट होता है, यहाँ एच का कोफिशियंट कितना है 1/2, इसको हम लिख सकते हैं ई की पावर 1/2 फंक्शन एक्स प्लस, देखिए यहाँ पर एक्स का ऑप्शन क्या है 1/2, तो यहाँ ए की पावर 1/2 फंक्शन एक्स इस रूल से। अब यहाँ से फंक्शन एक्स कॉमन निकाल देंगे बाहर आ जाएगा, और इधर भी फंक्शन एक्स है, फंक्शन एक्स से फंक्शन एक्स एलिमिनेट हो जाएगा, तो न्यू इसको आ जाएगा 1/2 ए की पावर 1/2 प्लस ए की पावर 1/2। तो आई होप ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दें।